जिन लोगों ने लालू यादव को जेल में रखने का काम किया है, पाप किसी ने किया, कभी साला, कभी बेटा, बेटी, कभी पत्नी, और भोगे लालू यादव। और मुझे लगता है कि लालू यादव को शहीद करके राजनीति का एकमात्र रास्ता बचा है उन लोगों के लिए जो लालू जी के बेटे के नाम से जाने जाते हैं या लालू जी के नाम से जाने जाते हैं, विरासत की बात करने वाले, जिनका अपना न सामाजिक संघर्ष है, जिनका ना अपना कोई वजूद है, जिन्हें बचपन में ही कॉर्पोरेट बनने की बड़ी भूख थी, डिस्को और अन्य जगहों से फुर्सत नहीं थी, जिनको बिहार की सामाजिक राजनीतिक वैचारिक विरासत का कोई पता नहीं, अहंकारों से भरा एक गठबंधन का लालू के नाम पर सियासत करने वाले एक लल बहुआ, जिन्होंने बिहार के महागठबंधन के राजनीति को सर्वनाश किया। मैं पहले भी कह चुका हूं, अब कोई दो मत नहीं है, खुद के केस से बचने के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव के बाद पार्टी या वो लोग बीजेपी के साथ जिनका गठबंधन है, जो पहले भी जेटली जी के साथ मिलकर के ऑफर कर चुके हैं कि हम नीतीश कुमार को फिनिश कर देंगे अपने सपोर्ट के लिए, तो इससे साफ जाहिर है कि इस चुनाव में एक गठबंधन के अहंकारी नेतृत्व ने बीजेपी के साथ सांठगांठ करके पूरे बिहार के सेकुलर ताकत को कमजोर किया। उसका पहला उदाहरण है चतरा में कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करना। दूसरा उदाहरण है रंजीत रंजन जी के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करना और मधेपुरा में रात में जाके रंजीत रंजन को हर परिस्थिति में चुनाव हरवाने की पूरी तैयारी, राहुल गांधी जी के आने के बाद भी बुलाने के बाद भी उस मंच पर नहीं जाना, और तीन फेर चुनाव के बाद किसी भी महागठबंधन के नेताओं के एक साथ शेयर नहीं करना, यह साफ दिखता है कि एक व्यक्ति जिनकी पहचान ही बाप के नाम से हो, वह कंप्लीट रूप से बीजेपी की बेटी को शेयर कर चुके। उस तरह तीसरा उन्होंने माले से समझौता किया सिर्फ अपनी बहन की पार्टी पुत्रा सीट की। यह देश को समझ लेने की जरूरत है और सीपीएम माले को भी समझ लेने की जरूरत है, कांग्रेस को, यह आस्तीन में सांप है, इनके समझौते हो चुके हैं, अन्यथा अपनी बहन के लिए एक सीट का समझौता तो करते हैं, सीपीआई को एक भी सीट नहीं देना, यह साफ दिखता है कि कहीं न कहीं इनकी मुलाकात गिरिराज सिंह के द्वारा देश के
शीर्ष नेताओं से हुई और गिरिराज सिंह को जिताने के लिए इन्होंने रणवीर हसन को खड़ा किया सीधा। और चौथा, सिवान में माले का कैंडिडेट उतारना, इससे साफ जाहिर है कि वही गठबंधन के जो अहंकारी नेता है उन्होंने आरजेडी के कैंडिडेट को हराने का गुप्त काम किया है। सिवान में आखिर समझौता माले से क्यों नहीं है? ये कैसा समझौता? क्या यह साजिश नहीं है? झंझारपुर में देवेंद्र जी का खड़ा होना और जिस धन पशु को इसने टिकट दिया, क्या साजिश नहीं है? फातमी जी को अपमान करके अलग करना और शकील साहब को अपमानित करना, क्या यह साजिश नहीं है? सभी जगह शिवर में, दरभंगा में, मधुबनी में, बलिया में इन्होंने एक साथ दो निशाने साधे, मुसलमान को भी खत्म करने की साजिश रची और महागठबंधन को भी खत्म करने की साजिश रची। मधेपुरा में 5 हेलीकॉप्टर लगे थे, कभी आपने सुना कि एक लोकसभा में 1 महीना 1 हेलीकॉप्टर, 15 दिन 2 हेलीकॉप्टर, चौथा दिल्ली जाना और आना हेलीकॉप्टर और 5वां उस अहंकारी के हेलीकॉप्टर 3 दिन? पप्पू यादव को हराने के लिए सबका गठबंधन क्यों? चाचा और भतीजा दोनों एक क्यों? सुपौल और मधेपुरा में किसको बेनिफिट पहुंचाना चाहते थे ये अहंकारी ने? पूरे कोसी सीमांचल में इन्होंने गठबंधन धर्म को समाप्त किया। और मेरा आरोप सीधा है, शिवर में कोई नहीं बनता था बाहर से लाके टिकट देने की। उन्होंने वॉक ओवर दिया है एनडीए के कैंडिडेट को जिताने की। मुजफ्फरपुर और मधुबनी में वॉक ओवर दिया एनडीए के कैंडिडेट को जिताने की। चूंकि दरभंगा में आरएसएस के कैंडिडेट है ठाकुर और आरएसएस से इनके खूब समझौते हो चुके हैं, इसलिए वाक ओवर दिया फातमी को नहीं टिकट देकर, क्योंकि इनको पता था कि फातमी टक्कर दे सकते हैं, इसलिए इन्होंने फातमी को टिकट नहीं देकर अब्दुल बारी सिद्दीकी को दिया ताकि ठाकुर का वाक ओवर मिले। सभी जगह इन्होंने बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए कहा ताकि चुनाव के बाद इनका सपोर्ट बीजेपी को मिल सके। बीजेपी से इनका समझौता हो चुका कि चुनाव के बाद हम आपको जो भी सीट जीतेंगे, 1 या 2 या 3, हम आपको सपोर्ट करेंगे। इसीलिए
जन अधिकार पार्टी के सारे वर्ग, मधुबनी में शकील साहब, बेगूसराय में कन्हैया जी, जहानाबाद में अरुण जी, वो पूरी ताकत के साथ सपोर्ट करेंगे। 2627 हम खुद बेगूसराय रहे हैं, जिस तरीके से गिरिराज को जिताने के लिए इस अहंकारी नेताओं ने साजिश रची है, इसके गंदे चरित्र को पूरे देश में उजागर। इसलिए हम जन अधिकार पार्टी के सारे वर्कर से अपील करते हैं कि आप बेगूसराय पहुंचकर पूरी ताकत के साथ देश की एक सेकुलर मिजाज को बचाने के लिए कहीं आपको मदद करें। अंतिम पार्टी ने निर्णय लिया कि काराकाट और बक्सर यहां पर मजबूती के साथ तीसरे फ्रंट को मदद की जाएगी। जो भी सोम प्रकाश जी काराकाट से कैंडिडेट होंगे चुनाव लड़ना, और बक्सर से भी आपको एक दो दिन के अंदर कैंडिडेट का पता चल जाएगा। हमारा कैंडिडेट हर परिस्थिति में जिसने बीजेपी से हाथ मिला के पीठ में खंजर भोंका है, हम पूरे बिहार में जन अधिकार पार्टी से वर्कर से आग्रह करेंगे उस खंजर भोंकने वाले को सबक सिखाएं। हमारे लिए ए और बी दोनों जहर है, दोनों एक है। ए से ज्यादा खतरनाक बी टीम है जो महागठबंधन को सबसे कमजोर की, इसलिए इस बी टीम के खिलाफ हम खड़े हों। सभी जो एक बीच का सेकुलर ताकत होगा उसकी मदद करेंगे। पहले सवाल में आपने आरोप लगाया कमजोर किया, देखिए जनता तो महागठबंधन के मिजाज के साथ खड़े, जो सांप्रदायिक ताकत को हराता जनता वहां उसके साथ, चाहे वो किशनगंज का मूड हो, चाहे कटिहार का हो, चाहे मधेपुरा का हो, चाहे सुपौल का हो, चाहे पूर्णिया का हो, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से पीठ में खंजर भोंका वर्कर की ऊर्जा समाप्त, आम जनता को इन्होंने हट किया, मधेपुरा में दोनों मिलकर बिहार की जनता को और मधेपुरा सहरसा सुपौल की जनता को बधाई देता हूं जिन्होंने दोनों के साथ गांठ को समझा और पूरी ताकत के साथ आशीर्वाद दिया। कोई ट्रिब्यूनल फाइट नहीं है, यूथ महिलाएं गरीब सड़कों पर निकल करके वोट दी,
सभी जात के लोग पहली बार ब्राह्मण राजपूत 50-35% से बाहर मधेपुरा में दल से अलग हट करके वोट किया। जन अधिकार पार्टी का फर्ज बनता है कि बिहार में ए टीम और बी टीम से बिहार को बचाया जाए। आप जानते ही है ए टीम अजानी रहे, ए टीम कौन है, संप्रदाय डर और खौफ किसके कारण है। गिरिराज टाइप के लोग जिस दल में हो वो उससे बड़ा खौफ क्या हो सकता। गिरिराज भारत के लिए खतरा नहीं, मानवता के लिए खतरा है, इंसानियत के लिए खतरा है। सांप और गिरिराज मिल जाए तो सांप को छोड़ देना चाहिए, जरा पहले गिरिराज पर छोड़ कर रहा जितने खतरा। ये जहर गिरिराज का मानवता और इंसानियत के लिए, लोकतंत्र के लिए, समाज में राजनीतिक रूप से जिंदा रहना सही नहीं जी। अनंत सिंह तो कई चुनाव लड़ने हैं, मेरे को दल का नहीं, मानवता के लिए बोला नहीं। अनंत सिंह कई चुनाव तो लड़ने, हमको तो जानकारी नहीं है। अब नीलम देवी पर चुनाव लड़ रही हैं, आप किसी की पत्नी पर भी आप आरोप लगाते रहे। अब लेडीज तो खतरे से खाली खतरे तो है, लेडीज तो सात्विक होती है, कोई और खतरा हो सकता है, लेकिन नीलम देवी को आप खतरा नहीं। जी अब भैया एक तरफ खाई एक तरफ बैठा हाल तो है, नागनाथ और सांपनाथ सुपौल मधेपुरा में क्या उम्मीद है जनता का आशीर्वाद आपको? तो आप तय करिए, हमें तो जो काम करना था वो कर दिया, सेवा कर ली, लोगों से आशीर्वाद ले लिया, लोगों ने जो करना था कर लिया। अब परसों चुनाव था, समीक्षा पार्टी करेगी कि हम समीक्षा भी हम ही करें? हर कोई अपना अपना दावा कर रहा है, अकेला चुनाव लड़ रहे थे, हर कोई अपना अपना दावा। पांच हेलीकॉप्टर एक तरफ, बुलेट एक तरफ, आपका 26 दिन एक मोटरसाइकिल। मानिए पप्पू जी, धन बल के सामने जन बल। मेरा सवाल है पप्पू जी, जाति धर्म मजहब के सामने मानवता, रिश्ता और सेवा और मदद, रिश्ते मदद सेवा और न्याय के आधार पर चुना हुआ है। आजादी की पहली लड़ाई है जाति धर्म के खिलाफ एक आवाज मधेपुरा और कोसी रीजन। आपका दावा क्या है? किसका दावा? हर आदमी अपना अपना पार्टी, सभी जाति धर्म मजहब के लोगों ने पप्पू यादव को वोट दिया, एवरीवन एवरीबॉडी।